भारतीय जनता पार्टी रणवीरपुर मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कवर्धा जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री और कबीरधाम जिला पंचायत सभापति भावना बोहरा एवं रणवीरपुर मंडल अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा ने राज्य सरकार द्वारा किए गए घोषणा पत्र में वादों को पूर्ण नहीं करने व क्षेत्र व्याप्त स्थानीय समस्याओं को जन अधिकार रैली हेतु पदयात्रा निकाली गई। रणवीरपुर से प्रारंभ होकर ट्रैक्टर रैली का समापन बीरेंद्रपुर बाबा चौराहा में हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं भावना बोहरा ने ट्रैक्टर चलाते हुए किया। रैली ग्राम रणवीरपुर से वीरेंद्र नगर, टाटी कसा, मोहनपुर, अचानकपुर, हथलेवा बाजार, चारभाटा, गांगी बहरा, राजपुर, बुधवारा, कारेसरा, उड़िया कला, उड़िया खुर्द, बावा चौरा, बीरनपुर खुर्द होते हुए सभा स्थल शीतला माता मंदिर चौक बस स्टैंड सहसपुर लोहारा में समाप्त हुआ, जहां तहसील कार्यालय में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान हजारों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया एवं जनता की प्रमुख मांगों एवं घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कवर्धा भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने राज्य सरकार पर घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की गति थम गई है, भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर है। राज्य सरकार ने चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में कई घोषणाएं की, लेकिन वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, वो अभी भी अधूरे हैं। वहीं जनता सड़कों पर अपने हक व अधिकार के लिए आंदोलन कर रही है। राज्य सरकार के इन्हीं झूठे वादों और क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर आज ग्राम रणवीरपुर से सहसपुर लोहारा तक भारतीय जनता पार्टी रणवीरपुर मंडल अध्यक्ष पदयात्रा निकालकर तहसील घेराव किया गया एवं जनता की जायज मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री और कबीरधाम जिला पंचायत की सभापति भावना बोहरा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार और 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 4 वर्षों में ना रोजगार मिला और ना ही बेरोजगारी भत्ता मिला। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में बेरोजगारी दर के आंकड़े जनता के समक्ष प्रस्तुत जनता और युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनके इन्हीं दावों को सबके सामने लाने के लिए हमने बेरोजगारी हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार के रोजगार देने के खोखले वादों के प्रति खुद को बेरोजगार घोषित कर असलियत को सबके सामने लाया। उन्होंने आगे कहा कि आज राज्य में सड़कें की हालत बदहाल है। सुरक्षा निधि के नाम पर राज्य सरकार बिजली बिल में अनियमितता कर अवैध वसूली की जा रही है और जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के केवाईसी में गड़बड़ी, राज्य सरकार की लापरवाही के चलते 8 लाख से अधिक परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। किसानों की ऋण पुस्तिका बनवाने तथा नकल नक्शा छांटने में जमकर रिश्वत की मांग, 2 साल का बोनस अब तक किसानों को नहीं मिला। महिलाओं पर रोजाना अपराध बढ़ रहे हैं और स्व सहायता समूह की बहनों का कर्ज अब तक माफी नहीं किया गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने फल और तथा सब्जी कृषकों के लिए फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की भी घोषणा की थी, जो अब तक अधूरा है। हाथ में गंगा जल लेकर पूर्ण शराबबंदी करने की कसम खाने वाले आज पूरे प्रदेश में हर गली मोहल्ले व गांव में अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कई झूठे व अधूरे वादों एवं क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से जनता को ही हो रही परेशानियां और जायज मांगों को लेकर भाजपा रणवीरपुर मंडल द्वारा तहसील कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा रणवीरपुर मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र वर्मा ने कहा कि 4 वर्षों में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद से प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, वहीं अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। दिन दहाड़े हत्या, लूट जैसे संगीन अपराध घटित हो रहे हैं। किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। सहसपुर लोहारा ब्लॉक अंतर्गत पंडरिया विधानसभा में आने वाले ग्राम पंचायतों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यही कारण है कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। राज्य सरकार ने विगत 4 वर्षों में केवल प्रदेश की जनता को ठगने और अपने चहेतों व स्वयं की जेब भरने का कार्य किया है, जिससे जनता जान चुकी है और उन्हें आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर अनिल ठाकुर जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के कार्यकर्ता उस विरोध रैली में शामिल हुए। कवर्धा से न्यूज़ प्लस 21 के लिए डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट।